मेरे हिसाब से हिंदुस्तान एक ऐसा इकलौता देश होगा जहाँ अनगिनत संस्कृतियों का वास है, और हमारी इन्हीं संस्कृतियों में एक समान चीज छिपी हुई है, हमारी अटल आस्था। हमारी परंपराओं को हमने जिस तरह आज भी संभाल कर रखा है, उन्हीं परंपराओं को, उस विश्वास को और उन प्राचीन संस्कृतियों को मिलाकर एक फिल्म बनाई गई है, कांतारा, जिसे मैंने कनाडा में देखा। पर आपके पास एक मौका है कि आने वाले 14 अक्टूबर को आप ये फिल्म हिंदी में भी देख सकते हैं। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज, जहां बातें होती रहती हैं और फिल्में चलती रहती हैं। तो अगर आप भी हमारी इन बातों से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बताइए। कई बार ऐसा होता है कि आप थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हो और पहले 2 मिनट में ही आप अंदाजा लगा लेते हो कि अगले 2 घंटे में मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मूवी शुरू होते ही मैं समझ गया कि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड देखने को मिलने वाला है, और वही सोचते हुए अगले 2 घंटे 30 मिनट में मैंने ऐसा कुछ विटनेस किया जो शायद मैंने आज तक कभी भी किसी भी लैंग्वेज के कोई भी फिल्म में देखा नहीं था। यहाँ मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ मेंशन करूंगा कि फिल्म की जो स्टोरी है वो डेफिनेटली यूनिक है, इम्प्रेसिव है और 9.6 की IMDb रेटिंग के साथ अनडाउटेडली उतनी वर्थ है। पर स्टोरी से भी ज़्यादा कांतारा का जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो माइंड ब्लोइंग है। आप थिएटर में जाते हो और कांतारा की दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। जिस कल्चर के बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं है, वो कल्चर सडनली आपका अपना बन जाता है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है थिएटर में कि आप एक पॉइंट के लिए सब कुछ भूलकर उस फिल्म में कम्प्लीटली घुस जाते हो। कांतारा की स्टोरी आपके इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशंस की सारी बाउंड्रीज को पार कर देती है। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को कोई अलग फॉर्मूला डालकर बनाया है, पर फिर भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी फिल्म इंडियन सिनेमा में आज तक कभी बनी नहीं होगी, और शायद इसीलिए आपको थिएटर जाकर एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिल्मों के बारे में आपका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। शुरुआत तो मैं करूंगा म्यूजिक से। ऐसा म्यूजिक बनाया है जो इस मूवी को एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है। फिल्म में जो गाने हैं उनका भी अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। जिस तरह के गाने इस फिल्म में हम सुन रहे हैं वो एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट आपके इमोशंस को स्ट्राइक करते हैं। थिएटर में तो ये म्यूजिक नेक्स्ट लेवल इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। म्यूजिक के साथ ट्रेलर में आपने कैरेक्टर्स को जोर से चीखते हुए देखा होगा। इस स्क्रीमिंग का भी फिल्म में बहुत बड़ा रेफरेंस है, वो आपको फिल्म देखने के बाद महसूस हो ही जाएगा। और सिर्फ ट्रेलर देख के फिल्म को जज मत कीजिए, क्योंकि ट्रेलर के जरिए फिल्म को सिर्फ ऊपर से कवर किया गया है, एक्चुअल फिल्म के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अब फिल्म की इतनी बातों के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऋषभ शेट्टी, जो इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने सर्टनली अपना बेस्ट वर्क डिलीवर किया है। और जो डेडिकेशन होता है, जो एफर्ट्स आप किसी काम में डालते हो, वो तो सब श्योरली विजिबल होता है। पर यहाँ मैं स्पेसिफिकली फिल्म के जो DOP हैं, अरविंद कश्यप, उनकी भी बात करूँगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे पर यह सच है कि फिल्म देखने पर आपको हर एक सीन एक पेंटिंग की तरह लगेगा। आपने ट्रेलर देखा हो तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेलर में जिस तरह के खूबसूरत विजुअल्स आप देख रहे हो, पूरी की पूरी फिल्म ही उस तरह के डिलाइटफुल विजुअल से भरी हुई है। फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो अलग अलग तरह के लेयर टू लेयर सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बफेलो रेस का सीक्वेंस है, जिसे कंबड़ा कहते हैं, उसकी बात कर लीजिए, या फिर जो फाइटिंग सीक्वेंसेस आप देखेंगे वो फिल्म का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसे एनहांस कर देते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन और नरेशन है, जो बीच बीच में कॉमेडी का डोज मिलता है ऑडियंस को, वो फिल्म के प्लॉट को अच्छे से बैलेंस कर देता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कॉमेडी डाली गई है, बहुत इफेक्टिवली उसे फिल्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो एविडेंटली फिल्म का एक्चुअल पार्ट है। फॉर दैट मैटर फिल्म में जो लव एंगल है वो भी फिल्म की स्टोरी को एफिशिएंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंटरवल तक ये फिल्म एक अच्छा बेस बना देती है सेकेंड हाफ के लिए, और सेकेंड हाफ में स्टोरी के सारे पैटर्न्स को अनरावल करते हुए फिल्म एक अच्छे फ्लो में क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्फसाइज करना चाहूंगा कि फिल्म में सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से हाईलाइट किया है। हर एक कैरेक्टर काफी स्मूथली फिल्म में मर्ज हो जाता है, और वहीं पर फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली क्लाइमैक्स में उन्होंने जिस तरह से अपना एक्ट एग्जीक्यूट किया है वो कमेंडेबल है। ऑल इन ऑल इस फिल्म को लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिल्म की रेटिंग्स पहले से ही हाई हैं, और उसमें मैं भी इस फिल्म को 5 out of 5 रेटिंग देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और हम आगे भी ऐसी ही मजेदार फिल्मों की बातों के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में कौन से फिल्म का रिव्यू देखना चाहेंगे, और आपकी कमेंट को फीचर करते हुए उस फिल्म का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे। और आप ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके।